कोई घाटा नहीं। आप जो कोई दिक्कत है आप तुरंत बताइए। पानीपत के सचिवालय के सामने नेशनल हाईवे नंबर 1 पर आज सुबह एक परिवार ने जाम लगा दिया। विकास नगर के रहने वाले परिवार का आरोप है कि कुछ दिन पहले इसी कॉलोनी के रहने वाले एक परिवार ने उन पर हमला बोल दिया था, जिसमें घर का मुखिया कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने SC ST एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि इस मामले में सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई, इसी के चलते परिजनों ने घायल को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही सिटी थाना इंचार्ज दीपक कुमार सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। काफी देर तक जब परिजनों ने जाम नहीं खोला तो पुलिस ने सख्ती से पेश आते हुए घायल को ऑटो में डालकर सिविल अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस को कंट्रोल से सूचना मिली थी कि भाई ये घायल व्यक्ति को सेक्रेटरिएट के आगे सड़क पे लेटा रखा है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जो घायल है उसको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और जो घर वालों का कहना है कि भाई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, थाना चांदनी बाग में मुकदमा दर्ज है, जिसमें SC ST की एक्ट की धाराएँ भी लगी हुई हैं और DSP हेडक्वार्टर इसकी खुद तफ्तीश कर रहे हैं। एक आदमी इसमें अरेस्ट भी हो चुका है। मामला तो जस्ट अभी मेरे तो ये संज्ञान में आया था कि रोड जाम कर रखा है, तो घायल को यहाँ ले आए हैं, तो मेरे को तो सिर्फ इतनी जानकारी है अभी तक। हाँ, अभी मेरी जो कंसर्न्ड SHO है चांदनी बाग, उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि भाई इनकी कंप्लेंट पे एक मुकदमा भी दर्ज है और एक अक्यूज्ड अरेस्ट भी हो चुका है और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्वयं DSP हेडक्वार्टर कर रहे हैं। मंडी में सामान लेकर आई थी और मैं दुकान पता रही थी और मैं छोटा बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे घरवाला बोला मैं घर जाकर लत्ते बदला बच्चों के, मैं ठीक है बदला, मैं तो सामान तर लागी दुकान पर जी जी, मेरे सारे प्लांट बने सारे इकट्ठे आए, मेरे लत्ते पाड़े, मेरी दुकान में पड़ गई, मेरे लत्ते पाड़े, मेरे लटका जाए और ये लटका जाए, देखो जी मेरे पैर पे भी निशान है, ये बोलो निशान नहीं जाए लिया जी। और भाई 8 तारीख के 2:30 बजे और जी फिर क्या करा, सुरेश ने मेरा बाल पकड़ा खूब बजाए, उसकी बूना भी सारे मतलब सारे छोरे दोनों छोरे मोहित और साहिल, वे आगे फिर उनके और रिश्तेदार थे, भाई बनते जो भी उनके रिश्तेदार थे, मेरे गड़ा पर तक खाच कर लाए जी, फाल तो खूब लट बजाया, फिर मोहित और साहिल बुलाए उनको लट लिया घड़ासी लिया और सुरेश की बुना घड़ासी दोनों छोरे के हाथ में दे दी। चांदनी बाग थाना प्रभारी नवीन संधू भी सिविल अस्पताल में पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत कर डॉक्टर से घायल का हालचाल जाना। नवीन संधू का कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एक FIR दर्ज है हमारे थाने के अंदर, हमारे थाने के अंतर्गत एक चौकी है सेक्टर 29, उसके अंतर्गत ये मामला है। 811 नंबर हमने FIR दर्ज कर रखी है कंप्लेनेंट की, कंप्लेंट के रिगार्डिंग इसके सिर पे चोट लगी थी, पड़ोस में इनका आपस में विवाद हुआ था, उसके संबंधित FIR लॉन्च होकर के हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसके अंदर SC ST एक्ट की धारा भी लगाई गई है, इसीलिए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे DSP हेडक्वार्टर साहब कर रहे हैं और इसके अंदर एक अक्यूज की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और सभी गिरफ्तार इसमें जल्द से जल्द हो जाएंगे। डॉक्टर से अभी मेरी बात हुई, डॉक्टर प्रीति से, उन्होंने बताया है कि पेशेंट इज स्टेबल नाउ, वो स्टेबल है पेशेंट। मामला गंभीर है और इसकी तफ्तीश खुद DSP रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों द्वारा रोड जाम करने से काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस रोड जाम करने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर सकती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए विपुल जग्गा के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की रिपोर्ट।